हाँ तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहा था कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने टेस्टिंग ऑफ सीमेंट से पहले जितना भी था वो अपन ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं उसका आगे का, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक ना। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट दो प्रकार से करते हैं अपन, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं, मान लो अपन कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्चर का अपन कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अपन वहाँ पर जो भी सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, जो भी अपन मेटेरियल यूज करते हैं, उसके अलग अलग वहाँ पर लेबोरेटरीज रहती हैं, तो वहीं पर ही उसके टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये भी एक तरह का फील्ड टेस्ट वहीं पर ही किया जाने वाला टेस्ट है। लैब टेस्ट ये है कि अगर आपकी लेबोरेटरी कहीं दूर है तो अपन इसको पहले लेबोरेटरी में या कहीं भी जहाँ से अपन लेकर आ रहे हैं सीमेंट को वगैरह को, या जो भी मेटेरियल अपन लेके जा रहे हैं उसको लेबोरेटरी में पहले दूर जहाँ पर दूर है वो वहाँ पर अपन उसको टेस्ट करते हैं, वो लेबोरेटरी टेस्ट कहलाता है, ठीक ना। फील्ड तो जहाँ पर कंस्ट्रक्ट का काम चल रहा है वहीं पर उसको टेस्ट कर रहे हैं, और लैब में अपन कंस्ट्रक्शन पे जाने से, साइड पे ले जाने से पहले मटेरियल को और दूसरे का टेस्ट करते हैं, वो लेबोरेटरी टेस्ट कहलाता है, ठीक ना। ये उसके टाइप हैं, ये आगे आएंगे जो आपको मैं बताता हूँ, ठीक ना। वो ये फील्ड टेस्ट देख लो, कलर ऑफ सीमेंट इज ग्रेनेस ग्रे, ये तो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीमेंट का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, ग्रेनेस ग्रे कहलाता है, वो रहता है, ठीक ना। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इमर्ज इन वाटर, सीमेंट सम टाइम स्विमिंग आफ्टर डेट सेटल्ड। इसका मतलब ये मेरा कोई बकेट है, इसके अंदर बकेट के अंदर पानी भर रहा है, ठीक ना, बकेट के अंदर पानी भर रहा है ये, ठीक ना। इसके ऊपर मैंने कुछ सीमेंट डाला, डालने के कुछ समय बाद ये थोड़ा, तो पहले तो इसके ऊपर तैरेगा, है ना, पहले तो इसके ऊपर थोड़ा ये तैरेगा, तैरने के बाद में ये क्या नीचे सेटल होने लग जाएगा, ठीक ना। बस यही है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो सीमेंट है पहले तो थोड़ा तैरेगा, तैरने के बाद में वो जो पानी के बॉटम में सेटल हो जाएगा। कूलनेस फील आफ्टर बाथिंग हैंड इन द सीमेंट बैग, अगर अपन जब सीमेंट के बैग के अंदर हाथ देखेंगे तो अपन को एक तरह का कूलनेस या ठंडापन महसूस होगा। स्मूथनेस फील व्हेन रबिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बिटवीन द फिंगर्स, ये मेरी दो उंगलियाँ हैं, ठीक ना। इसमें इन दोनों के बीच में अगर मैंने सीमेंट का कुछ पार्ट लिया या कुछ क्वांटिटी ली, तो उसको रगड़ने के बाद में वो दोनों थोड़ा मेरे को स्मूथनेस फील होगा, बिल्कुल एक तरह से बारीक बारीक से स्मूथनेस फील होगा। ये आप करके देख लेना अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो थोड़ा सा, ठीक ना। ये तो नॉर्मल तरी जानकारी है कि अपन सीमेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं लैब टेस्ट पर। दिस टेस्ट डन इन द पर्टिकुलर लैब बाई द पर्टिकुलर एपरेटस, वह टेस्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार के उपकरणों के द्वारा किए जाते हैं, या अलग अलग टेस्ट अलग अलग उपकरणों के द्वारा किए जाते हैं, वही लिखा हुआ है। पहला है रियोलॉजिकल टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। टू फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट और कंक्रीट कंप्रेशन, यानी कोई अपंगा क्यूब है इस पर कंप्रेशन लगा दिया, इस तरह से लगा दिया या इस तरह से लगा दिया, इसका टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अपन क्यूब यूज करते हैं या सिलेंडर यूज करते हैं। देखो सिलेंडर भी अपन यूज करते हैं और क्यूब भी यूज करते हैं, हालांकि ये सिलेंडर नहीं है, तो इसका वो रोड का वो दे रखा है डायमीटर वगैरह, है ना, सिलेंडर आगे है ये, यहाँ पर सिलेंडर दे रखा है, ठीक ना। तो ये तो रोड का डायमीटर दे रखा है, इसको कंप्लीट करने के जो काम में आती है वो। तो देखो अलग अलग जगह आपको अपन क्यूब भी यूज करते हैं, ठीक ना, और सिलेंडर भी यूज करते हैं, ठीक ना। अलग अलग जगह से ये मतलब ये है कि इंडिया के अंदर तो अपन अलग अलग जगह से मतलब है कि अपन इंडिया के अंदर तो अपन क्यूब यूज करते हैं, बाकी अमेरिका वगैरह के अंदर जो है वो अपन वहाँ पर सिलेंडर यूज करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना। ठीक ना, ये स्टैंडर्ड साइज है सीमेंट के लिए, मैंने क्यूब के लिए अलग रहता है। देख लो सीमेंट के टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए 25 टाइम्स तो अपन को इसको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे मान लो अपन को मेरे को एक क्यूब बनाना है, ठीक ना, तो इसके अंदर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तीन लेयर रहेंगी, ठीक ना। तीन लेयर को इसको तीन लेयर में फिल करना है और इच लेयर को 25 बाय कम्पैक्ट करना है, ठीक ना। किससे, तो 16 mm की डाया है, मतलब एक तरह की रोड रहती है, ठीक ना, इस तरह की रोड रहती है, इसका 16 mm तो डाया है और 450 से 600 mm इसकी लेंथ है, ठीक ना। इसको अपन को इस क्यूब को कम्पैक्ट करना पड़ता है, ठीक ना, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर जो वाटर रेशियो लेते हैं अपन, सीमेंट वाटर रेशियो देख लो, इसमें जो भी देखो है 0.32 to 0.45, ठीक ना। इसके अंदर जो रेशियो लेते हैं अपन सीमेंट और सेंट का, वो देख लो, एक और तीन का रेशियो लेते हैं। अगर अपन ने एक क्वांटिटी सीमेंट ली है तो 3 क्वांटिटी को अपन सेंट लेना पड़ेगा, ठीक ना।
कंक्रीट के अंदर अपन कंक्रीट का अगर टेस्ट करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड साइज रहता है 15 गुणा 15 गुणा 15 सेंटीमीटर में, ठीक ना। 15 गुणा 15 गुणा 15 और एमएम में लेंगे तो 150 150 150 एमएम हो जाएगा, ठीक ना। वो तो किसके लिए, सीमेंट के लिए है ये, ठीक ना। ये सीमेंट के लिए क्यूब क्यूब मोल फॉर सीमेंट के लिए, और ये कंक्रीट के लिए है, ठीक ना। ये कंक्रीट के लिए, ठीक ना। और इन दोनों को अपन जब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं तो यूटीएम मशीन में इसको पुट करते हैं, ठीक ना। यूटीएम मशीन तो जानते हो, कंप्रेसिव फाइंड आउट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं उसको। जैसे इसके ऊपर कंप्रेसर लगा देंगे, इसके ऊपर नीचे बॉटम तो फिक्स रहेगा, ऊपर से लोड आता रहता है, ठीक ना। और एक मीटर रहता है जिसमें रेटिंग चलती रहती है, कितने किलो न्यूटन का या न्यूटन का लोड लगता जा रहा है, ठीक ना। सेम है इसके अंदर भी, जो अपन इसको इसका क्यूब बनाएंगे, ठीक ना। स्टैंडर्ड साइज रहते हैं ये क्यूब के, ऑलरेडी रेडीमेड रहते हैं। बस इसके अंदर अपन को मटेरियल फिल करना रहता है थिन लेयर में, और ईच लेयर को 25 वायर कंपेयर करना पड़ता है, ठीक ना। रोड अपन को डाया, मैंने रोड किससे कंपेयर करना है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई दी, ठीक ना। इसके बाद में देख लो, इफ इंक्रीज द साइज ऑफ द क्यूब डिक्रीज इन द रेंज, जो ये स्टैंडर्ड साइज रहता है अपन इससे ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर अपन इसमें कोई भी परिवर्तन किया तो इसकी स्ट्रेंथ के, जो अपन की स्ट्रेंथ रहती है उसमें ऊपर फर्क पड़ना चालू हो जाएगा, ठीक ना। देखो क्यूब अपन स्टैंडर्ड क्यूब अपन मोस्टली इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसका साइज़ क्या रहता है, इसका तो अपन को पता है 150 गुणा 150 गुणा 150 रहता है, ठीक ना। और इसका क्या रहता है, ये 300 mm रहता है और ये 150 रहता है, ठीक ना। तो मेन इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, जो इसकी लेंथ रहती है ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पर देख लो, 3 दिन के अंदर कितना, इतने से इतनी परसेंट वो स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है, 7 डेज के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है, और 28 डेज के अंदर 100% कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दी स्ट्रेंथ इंक्रीज है बट रेट ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीज है, ये पता नहीं किस पॉइंट के लिए लिखा हुआ है, ये देख लेना आराम से, मेरे को ध्यान नहीं है। अब देखो रेशियो ऑफ लेंथ कैसे निकालते हैं, उसने कह दिया कि 3:28 का रेशियो निकालो, तो अपन जानते हैं 3 दिन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ ग्रहण करी उसने, 49 to 50% स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करी है, ग्रहण करी है ना, और 80 डेज के अंदर 100% एब्जॉर्ब करी, तो इसका जो रेशियो निकल कर आएगा वो उसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं, 1:2 या 1:2 या 1:2, ठीक ना। ऐसे 28 to 30 डेज के लिए अपोजिट कर दो उसका, ऐसे दर्शा देंगे, ऐसे ऐसे किसी का भी अपन स्ट्रेंथ का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद में देखो ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, ठीक ना। इसके अंदर 3-3 टाइप के ग्रेड दे रखे हैं, स्ट्रेंथ दे रखी है इनकी, और इनको कौन सा आइस कोड के अंदर डिफाइन कर रखा है, बता रखा है, उसके बारे में आइस कोड दे रखा। कंक्रीट के अंदर देखो अपन ये M20, M30, M50, M15 अलग अलग तरह की एम का आगे ये जो लगे रहते हैं ये क्या रहते हैं, तो इसमें देखो एम का मतलब तो रहता है मिक्स, और जो लास्ट में लिखा रहता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, यानी जो अपन क्यूब बना रहे हैं उसका रेशियो, ये आपको आगे बता दूंगा इसको, M20 का रेशियो क्या रहता है, M15 का रेशियो क्या रहता है, M10 का रेशियो क्या रहता है, ये आगे आएगा, ये बता दूँ कैसे कैसे इसका रेशियो रहता है। तो इनका जो लास्ट में लिखा रहता है जैसे 20, 10 या 15 जो भी लिखा रहता है ना, तो उसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो अपन 28 डेज के बाद में फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। कंसिस्टेंसी टेंस, टू फाइंड आउट कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी डिनोटेड बाई पी इन रिप्रेजेंटेड परसेंटेज विक विद प्लंजर। देखो कंसिस्टेंसी और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम अपन विकेट एपरेटस से फाइंड आउट करते हैं, ये नोट रख करके लिख लो इसको, ठीक ना। ये नोट बना के लिख लो, जो कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम अपन विकेट एपरेटस से फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक ना, विकेट एपरेटस से अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, स्टैंडर्ड साइज रहता है वही, इसको इसके अंदर पुट करते हैं मोल्ड के अंदर, एक प्लंजर लगा देते हैं यहाँ पे निडल के रूप में, है ना, और इसकी सरफेस को उसको छोड़ देते हैं, जैसे सीमेंट का पेस्ट बनाया, सीमेंट का पेस्ट बनाने के बाद में इसके अंदर फिल कर दिया, इसको नीचे बेस प्लेट पे टिका दिया, ऊपर नीचे प्लंजर लगा रहता है, इसकी सरफेस पे टिकाने के बाद में इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर एक एक स्केल लगा रहता है जिसमें एमएम में रीडिंग लिखी रहती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, है ना। तो अगर अपन ऊपर उसको टॉप से देखेंगे तो 30 to 35 mm आएगी, है ना, और बॉटम से देखेंगे तो 5 to 7 mm आएगी, ठीक है ना। यही है मेक सीमेंट पेस्ट डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट एंड फिल द मोल्ड पेनेट्रेट प्लंजर वर्टिकली इन ईच मोल्ड, ठीक ना। वही जो मैंने बताया वैसे वैसे उसको मोल्ड बना के उसके सरफेस के ऊपर टिकाते हैं, उसको मोल्ड
और प्लंजर को, और वो धीरे धीरे पेनेट्रेट होता जाता है, अंदर घुसता जाता है, जितने अंदर तक घुस जाएगा उसी की उसकी रेटिंग कहलाएगी वो। वेयर प्लंजर पेनेट्रेट 30 to 35 mm टू टॉप ऑफ द मोल्ट, दीज वाटर कंटेंट नॉन एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या कहलाएगी, जो अपन का जो ये रेटिंग दे देगा ना वो इसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहलाएगी, ठीक ना। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, 25 to 35 तक। इसमें अपन अप्रोक्सीमेट कितने लेके चलते हैं, 30% कंसिस्टेंसी अपन लेके चलते हैं, ठीक ना। वाटर कितना मिलाना है अपन को जहाँ पर उसका पेस्ट बन के तैयार हो जाए, ठीक ना। ये देखो ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज 1875 ग्राम एंड वेट ऑफ द सीमेंट पेस्ट इन सीमेंट, हाँ वेट ऑफ सीमेंट पेस्ट इज 1875 ग्राम एंड वेट ऑफ द सीमेंट इन पेस्ट, इन पेस्ट है सॉरी, यहाँ पे इन पेस्ट है ये, इन पेस्ट 1500 ग्राम, फाइंड आउट दी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, वेट ऑफ सीमेंट लिख लिया, वेट ऑफ वाटर लिख लिया, निकाल के सोल्व कर लिया और ये आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दोबारा देख लो इसके अंदर। अब अंक देखो वेट ऑफ सीमेंट कितना दे रखा, 1500 ग्राम यहाँ लिखा हुआ, ठीक ना। वेट ऑफ वाटर निकाल लिया अपन ने, इतना निकाल लिया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक ना। देख लो रेशियो निकाल दिया, इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया, 25 कंसिस्टेंसी आ गई, ठीक ना। सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, मैंने अभी आपको बताया था। इनिशियल फाइनल और कंसिस्टेंसी अपन विकेट टेम्परेचर से फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ना। टू फाइंड आउट दी, देखो यहाँ पर वो लिख दिया विकेट एपरेटस, इसके अंदर भी वही नीडल लेती है, वही स्टैंडर्ड मोल रहता है ना, इसकी बस नीडल चेंज कर देते हैं, इसका डाया डाया चेंज हो जाता है, बाकी वही प्रोसेस है, वही रीडिंग देगा, वही वही प्रोसेस है आपको करना है, ठीक ना। इन विच ऑफ द नीडल पेनेट्रेट इन द सीमेंट पेस्ट टॉप, वही रीडिंग वो जो मैंने आपको पीछे बताया वो का वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखो इनिशियल सेटिंग टाइम डिफरेंट डिफरेंट सीमेंट का अलग अलग दे रखा है, ठीक ना। मिनिमम ओपीसी के लिए कितना दे रखा, 30, लो एट के लिए ये, और क्विक और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5 मिनट दे रखा, इसमें 30 है, इसमें 60 और इसमें 5 मिनट है। रैपिड हार्डनिंग के लिए 5 मिनट दे रखा, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात। फाइनल सेटिंग टाइम वो भी विकेट टेम्परेचर से अपन फाइंड आउट करते हैं, सेम है ओका की वही प्रोसेस है, ओका को वही है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सेम है बस। इसके अंदर भी क्या होगा, जो प्लंजर है ना अपना उसकी वो चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर विकेट टेम्परेचर एंगुलर कलर के लिए, ठीक ना, पढ़ लेना बिल्कुल सीधा का सीधा है। इसके अंदर देखो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए इसका तो क्यू कैन रैपिड सेटिंग सीमेंट के लिए कितना देगा, 30 मिनट, और ओपीसी के लिए 60 मिनट और 10 आवर्स, इस 60 नहीं 600 आएगा, ये 600 मिनट और 10 आवर्स, ठीक ना। अनसाउंडनेस टेस्ट, देखो अनसाउंडनेस का होता है सीमेंट जब उसके अंदर ऐसे तो लाइम और मैग्नीशिया एक्सेस कर जाता है या बढ़ जाता है, तो उनकी वैल्यूज को फाउंड आउट करने के लिए अपन अनसाउंडनेस टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे अपन को सीमेंट की क्वालिटी के बारे में पता लगता है। मान लो अपन ने कोई भी कंस्ट्रक्चर किया, अगर वो अनसाउंडनेस है, अनसाउंडनेस है, तो क्या वो स्ट्रक्चर टेम्परेचर और डिक्रीज और इंक्रीज होगा ना टेम्परेचर, तो उसके बाद में क्या वो सीमेंट और सिकुड़ना और फैलना चालू हो जाएगा, जिससे क्या स्ट्रक्चर जो है अपन का लूज होना चल जाएगा, वीक होना चालू हो जाएगा। तो इसी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए अपन साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ठीक ना। कब करते हैं, जब मैग्नीशिया और मैग्नीशिया और लाइम की मात्रा उसके अंदर अपन के सीमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक ना। मटेरियल लाइम के लिए अपन क्या करते हैं, लेचेटरी अपडेट, मैग्नीशियर के ऑटोक्लेव और सल्फर के लिए कोई भी कोड अपन को आइस कोड के अंदर दिया हुआ नहीं है। ऑटोक्लेव मेजर साउंडनेस ड्यू टू बोथ मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम। ब्रेक्यूटी टेस्टिंग मशीन कंप्रेसिव के लिए क्या काम आती है, हाइड्रेशन स्पीड हाई इन फाइनर सीमेंट, सरफेस एरिया ऑफ द फाइनर सीमेंट इज मोर देन केस ऑफ फाइनर सीमेंट, ठीक ना। तो फाइंड आउट एंड साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट, तो देखो हम साउंडनेस टेस्ट करते कैसे करते हैं, करते कैसे, ये अपन का इस तरह का एक मोल्ड रहता है, ठीक ना, इस तरह का एक मोल्ड रहता है, इसमें दो हैंडल लगे रहते हैं ऐसे, ठीक ना। ये हैंडल की कुछ भी दूरी अभी इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। एक कांच की प्लेट रहती है, एक ऊपर के लिए एक प्लेट रहती है, ठीक ना, और एक अपन का इसका वेट का कुछ लगा रहता है इसके अंदर, ठीक ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ठीक ना, सबसे पहले करते क्या है, एक सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। सीमेंट पेस्ट के अंदर ये अपन ने सीमेंट पेस्ट बना दिया, 100 ग्राम का सीमेंट का सीमेंट पेस्ट बना लिया, वाटर जो भी मिलाया अपन ने, बस एक तरह का पेस्ट बना। इस पेस्ट को अपन ने इसके अंदर फिल कर देंगे, फिल करने के बाद जो कांच की प्लेट है उन दोनों को नीचे और ऊपर रख देंगे। ऊपर रखने के बाद जो अपन का वेट का कुछ
दिया हुआ रहता है वेट का, मेरे को उसका वेट का ध्यान नहीं है, कुछ दिया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं इसको ऊपर रख देते हैं, और रखने के बाद इसको 24 आवर्स के लिए अपन नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर पे इसको रख देते हैं, वाटर के अंदर इसको रख देते हैं, ठीक है ना। फिर उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद में जो दो रोडें निकली रहती है ना इंडिकेटर, इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस मेजर कितनी है, जो भी रहेगी वो कहलाएगी अपन की L1, ठीक ना। इसके बाद में जो इसको यहाँ से तो बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद में इसको अपन 110 से ओवन में रखते हैं इसको, उसके बाद में ओवन में रखते हैं, ओवन में वही हॉट वाटर रहेगा, हॉट वाटर की रेंज 105 से 110 डिग्री रहेगी, ठीक ना। इसको 30 मिनट के लिए अपन इसको ओवन के अंदर रख देते हैं, ओवन में रखने के बाद हम इसको दोबारा निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद में उसकी जो दो इंडिकेटर है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं, ठीक ना, वो रहेगी अपन की L2, ठीक ना। तो L2 - L1 जो करते हैं अपन, फिर बाद में L2 - L1 करते हैं, तो इनकी जो रेंजेज आएगी वो अपन की डिफरेंट डिफरेंट रेंज डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होगी, इसकी रेंज यहाँ पर दी हुई है, वो देख लेंगे, ठीक ना। तो अब देखो इसके अंदर जो अपन के जो ये इंडिकेटर निकले रहते हैं दो, ठीक ना, ये इंडिकेटर निकले रहते हैं, इनकी लेंथ रहती है 165 mm, ठीक ना, और जो इस मोल्ड का इंटरनल डायर रहता है और जो इसका डेप्थ रहती है वो रहती है 30 mm, ठीक ना। और जो ये ब्रास का बना किसका रहता है, ब्रास का बना रहता है, और इसका जो ब्रास की थिकनेस रहती है कितनी रहती है, 0.5 mm रहती है, ठीक ना, ये अपन का रहता है और कुछ भी नहीं है, ठीक ना। बिफोर प्रैक्टिकल बी नोट द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर L1, ठीक ना, आफ्टर फिल द सीमेंट पेस्ट इन द ब्रास मोल्डर आफ्टर द बी हड मोल्डर ब्रास इन दिफरेंट 4 to 25 वर्ड। ये भी थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सेम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी जहाँ पढ़ा है वो थोड़ा भी मिक्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बाकी करते ऐसे ही हैं प्रैक्टिकल, आप तो प्रैक्टिकल सीखना है, बाकी करते ऐसे ही है ना, ठीक है ना, देख लेना। देखो जब अपन L2 - L1 की जो जो रेंजेज आएगी वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होती तो कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, अगर कम हुई तो कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, उसमें देख लो इसकी L2 - 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट सीमेंट डॉन 0.85 कंसिस्टेंसी, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का नाम है, ये देख लो, ये बहुत काम का है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 0.85 कंसिस्टेंसी क्या रहती है सीमेंट डन की, वो सीमेंट की 0.85 P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अनसाउंडनेस टेस्ट और सीमेंट डन 0.78 कंसिस्टेंसी, पीछे डोनेट करते हैं कंसिस्टेंसी। केमिकल टेस्ट फाइननेस टेस्ट टू फाइंड आउट द फाइननेस वैल्यू ऑफ सीमेंट इफ इंक्रीज फाइननेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट, ये तो देख लो कुछ भी नहीं है, ये वाला नोट ध्यान रखने वाला है, लेकिन नोट फाइननेस मेजर्ड बाई सीव एंड एयर परमीबिलिटी मेथड यूजिंग ब्लैकिनेस एपरेटस, ठीक ना, ये काम की चीज़ है। जो फाइननेस टेस्ट रहता है अपन को सीव से तो अपन इसको एनालिसिस करते ही हैं, इसके अलावा एयर परमीबिलिटी जो भी है उससे भी इसको टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सीव एनालिसिस में सेडिमेंटेशन एनालिसिस और परमेबिलिटी एनालिसिस, ठीक ना, यहाँ पर भी वो लिखा हुआ है, ये देख लो, हालांकि मैंने उधर लिख दिया था, बाकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन एनालिसिस और परमेबिलिटी एनालिसिस से भी अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। सीव एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, जो अपन की सीव रहती है ना, इसके अंदर सीमेंट ले लेते हैं, इसको इसमें सीमेंट को क्या करते हैं, छानते हैं, छानने में क्या होता है जो इसको रिटर्न बढ़ता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। 10% किसके लिए है और 5% किसके लिए, वो यहाँ पर दे रखा है, देख लो 15 मिनट के लिए उसको सीव करते हैं, ठीक ना, जो भी पार्टिकल अटेंड कर जाता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, रेपिड हाइड्रेनिक सीमेंट के लिए तो 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लॉस ऑफ इग्निशन वी टेक, ये तो छोड़ दे, कोई खास काम करेंगे पढ़ लेना इससे आप, नॉर्मल ही है। टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये भी कोई नॉर्मल है, इतना कोई खास नहीं है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सीमेंट रहते हैं, सबके टाइप दे रखे हैं ना, और इसके अलग अलग रेंज टाइमिंग दे रखा है, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम वगैरह वगैरह दे रखा, ठीक ना। रैपिड ऑर्डर की, ये तो सब सिंपल ही है, ठीक ना, ये देख लो इसकी रेंजेस देख लो, सबकी देख रखी है, ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझाया जाए, समझाने वाले सब्जेक्ट आएंगे दूसरे,
जो अपन इसको जब भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में जो भी आप डिमांड रहेगी उसके अनुसार अपन नया सब्जेक्ट चालू कर देंगे, ठीक ना। अब है लाइम, तो लाइम अपन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।